नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कन्नौज में आयुक्त कानपुर मंडल कानपुर डॉक्टर राजशेखर और पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने निरीक्षण भवन में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा सहित जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि चिन्हित 70 मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले सभी 190 बूथों पर बड़े कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कराए जाने और फोर्स की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो एक खबर आपको कन्नौज से बता रहे, जहां पर कोरोना पर लेकर महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने निरीक्षण भवन में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा सहित जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान डॉक्टर राजशेखर ने कहा है कि चिन्हित 70 मतदान केंद्रों के तहत आने वाले सभी 190 बूथों पर बड़े कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कराई जाए और साथ ही फोर्स अतिरिक्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। आज हम और आई जी साहब यहाँ पे आए हुए हैं कन्नौज में और यहाँ के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस अधिकारी जिसमें कि जिलाधिकारी, एसपी, एचएसपी, एडीएम, एसडीएम, सीओ और जो संबंधित नोडल ऑफिसर्स हैं जो विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं इलेक्शन के मद्देनज़र, उन सबके साथ विस्तृत रूप से यहाँ पे चर्चा की गई है और जो निर्वाचन आयोग का जो निर्देश थे उन सबको कम्युनिकेट किया गया है और उसके साथ साथ जो कोविड का इसको प्रोटोकॉल को अनुपालन करने के लिए ताकि सभी व्यवस्था वहाँ पे मुकम्मल हो बूथों पे, जैसा कि वहाँ पे थर्मल गन से चेकिंग हो, सैनिटाइजर का उपलब्धता वहाँ पे सुनिश्चित कर ली जाए, पीने के पानी गर्मी को देखते हुए मेडिकल इमरजेंसी की चीज़ों को अटेंड की जाए और उससे पहले जो है प्रिवेंटिव जितना भी कार्रवाई करनी है, विशेष करके जो असला जमा करने हैं और जहाँ पर भी ऐसा क्रिमिनल ये लोग हैं उनको सबको पाबंद करनी है चीज़ें, और उसके साथ साथ जो आपके जो अवैध शराब के जो शिकायतें आती है या कहीं पर भी जो आचार संहिता के उल्लंघन के जो शिकायतें आती है उनको तत्काल अटेंड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है कंट्रोल रूम बनना आवश्यक है, उसमें वरिष्ठ अधिकारी नामित हो ताकि और उसका नंबर भी जो है आम जनमानस में सर्कुलेट किया जाए। देखिए, इस बार पंचायत चुनाव को लेकर के पुलिस के बहुत ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हर केंद्र पर पर्याप्त फोर्स लगाया जा रहा है। जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जितना फोर्स लगता है उससे कई गुना फोर्स इस बार हर मतदान केंद्र पर उपलब्ध रहेगा और हम लोग लगातार ऐसे अपराधियों के विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं जो चुनाव में खलल डाल सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको बाउंड डाउन किया जा रहा है, आवश्यकता अनुसार उनको जेल भी भेजा जा रहा है। कुछ लोगों पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और जितने भी लाइसेंस हैं 100% लाइसेंस को हम लोगों का प्रयास है कि जिनका दुरुपयोग हो सकता है चुनाव में उनको जमा करा लिया जाए। चुनाव से 48 घंटे पहले पुलिस की निगरानी टीमें, अधिसूचना तंत्र पूरा सक्रिय हो जाएगा और हमारी छापेमारी टीम वहाँ पर जाएंगी और जो लोग शराब बांटने का काम करेंगे या मतदाताओं को प्रलोभन देने का कार्य करेंगे उनको पकड़ के जेल भेजेंगी और हमारा पूरा ये प्रयास है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य और कोरोना के संदर्भ में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि सीएम योगी का स्वास्थ्य बेहतर है और वो प्रदेश में वर्चुअल संवाद के जरिए अपने अधिकारियों और मंत्रियों से संपर्क में बने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी फोन से वार्ता हुई है, उनके गले में खराश है, हल्का बुखार भी है, जुखाम की भी शिकायत है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने निरंतर सबसे संवाद स्थापित किया है वर्चुअल रूप में भी और टेलीफोनिक माध्यम से भी, और उन्होंने सारे मंत्रियों को निर्देश किया है कि वो अपने अपने जिलों में अपने अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ में मंत्री उसको मॉनिटर करें और उनको जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हम पब्लिक को उपलब्ध करा सकते हैं अधिक से अधिक उसके लिए वो व्यवस्था कराएं, इसके निर्देश अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पुनः दिए हैं और कई जगह उन्होंने संपर्क भी किया है। मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी एक कर्मयोद्धा हैं,
और जिस तत्परता के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उन्होंने काम किया है कोरोना के संक्रमण के दौरान विगत एक हफ्ता में, मैं समझता हूँ इससे कोई उदाहरण दूसरा नहीं। खबर रायबरेली से, जहां कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में लगातार संक्रमण की गति बढ़ती जा रही है। जिले में 2977 लोगों की जांच की गई, जिसमें एसडीएम लालगंज विनय मिश्रा और तहसीलदार ऋचा सिंह समेत 256 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 5 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। सभी को रेल कोच के L2 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो खबर रायबरेली से, जहां पर एसडीएम लालगंज और तहसीलदार समेत 256 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और इसके साथ आपको बता दें कि 5 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। साथ ही सभी को रेल कोच के L2 हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। एनटीपीसी रिहंद के आवासीय परिसर में ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया। कुल 255 वोटर, जिसमें 236 ने अपना वोट डाला, लगभग 98% वोटिंग हुई। इसमें कुल 5 पदों के लिए वोटिंग हो रही थी, जिसमें राम कुमार मिश्रा ने अभी तक के चुनाव में सर्वाधिक वोट पाकर विजयी पाए। अभी तक के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले राम कुमार मिश्रा का नाम दर्ज हुआ है, और यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति खराब होती जा रही है। वायरस ने यहां पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 20,510 नए मामले मिले हैं, जो एक दिन में सामने आई संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। स्वास्थ्य विभाग के SES अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में 20,510 नए संक्रमित मिले हैं, और इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 111,835 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 4,517 मरीज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 7 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के रौद्र रूप धारण करने के बीच में प्रदेश में आज से गांव की सरकार चुने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। 18 जिलों में लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के 18 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान आज प्रत्याशियों के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की भी कठिन परीक्षा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान केंद्र सुबह से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, और इस बार पंचायत चुनाव में करीब 11 घंटे मतदान चलेगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित लोगों को PPE किट पहनकर वोट डालने की अनुमति दी गई है। खबर रामपुर से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। मतदाता अपने मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। जिले में 2,129 बूथों पर मतदान होगा। जिले में जिला पंचायत की 34 सीटों पर 582 उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा प्रधानी के 680 सीटों पर 5,873 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ तक मतदान हो रहा है, जहां पर मतदाता पहुंच चुके हैं। वहीं जिले में 2,129 बूथों पर मतदान होगा। वहीं जिले में जिला पंचायत की 34 सीटों पर 542 उम्मीदवार हैं। वहीं इसके अलावा प्रधानी की 680 सीटों पर 5,873 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। खबर जालौन से, जहां जिला पंचायत क्षेत्र से चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी गीता कुशवाहा रेडुकेट रतनपुरा वाले के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ, और इसके बाद इस कार्यालय में भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम में सपा के कई नेता मौजूद रहे।
चुनाव लड़ रही गीता रामशरण कुशवाहा ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी गीता कुशवाहा एडवोकेट रतनपुरा वाले के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ और इसके बाद इस कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई गई। वहीं कार्यक्रम में सपा के कई नेता भी मौजूद रहे। चुनाव लड़ रही गीता रामशरण कुशवाहा ने सभी का माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जिन गांव के लिए बगल में चिचेला गांव था, साइकिल की रास्ता नहीं थी, मैंने उस समय भी जो है रोड डलवाने का काम किया था। कई गाँव में आने जाने के साधन नहीं थे, वो भी मैंने काम किया था। और उस समय भी ऐसी जातियां जो उपेक्षित रहती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।